राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पोटका प्रखंड के हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत में पशुपालन विभाग की ओर से हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत के मुखिया देवी कुमारी की देखरेख में पशु टीकाकरण कार्यक्रम किया गया। पशुओं को खुरहा एवं मुंहपका रोग से बचाव हेतु FMD टीका, लंफी स्किन डिजीज से बचाव हेतु LSD टीका एवं ब्रुसलोसिस बीमारी से बचाव हेतु ब्रुसेला का टीका कुल 114 जानवरों में किया गया। डॉक्टर अशोक कुमार प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी पोटका द्वारा बताया गया कि पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रखंड के सभी जानवरों को टैगिंग एवं टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालकों से अपील है कि वैक्सीनेटर आपके गांव घर जाने पर आप सभी अपने पशुओं को टैगिंग एवं टीकाकरण जरूर कराएं। इस टीकाकरण कार्यक्रम में हल्दी पोखर पूर्वी पंचायत की मुखिया देवी कुमारी, डॉक्टर अशोक कुमार प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर मोनिका मुर्मू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी जादू गोड़ा, राजकुमार साहू, पशुधन सहायक पोटका, वैक्सीनेटर चिन्मय मंडल, विशाल पालित, कृष्णा महापौर, देवनंदन रावत, रामकृष्ण मंडल आदि उपस्थित रहे। तो भेजे हैं और अभी वैसा अप्रूव नहीं हुआ है। हम लोग जिला में भेजे हैं, जिला से जाएगा रांची LRS में। कितने गायों का सैंपल भेजा गया? करीब 5-6 गाय का भेजा गया। लंबी वायरस होने का शक नहीं है? का वैक्सीन दिया जा रहा है। आज से शुभारम्भ हमारे हल्दीपुर के पूर्वी पश्चिमी के मुखिया द्वारा शुभारम्भ कराया गया है और ये वायरल बीमारी है। LSD लंपी स्किन डिजीज को घाव हो गया, तो उसको लेकर के भी उसी का तो वैक्सीन है LSD। वैक्सीन देने के बाद क्या होगा? दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।